दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बहुत ही शानदार लोकेशन पर आए हैं जो कि हाईवे से महज 200 मीटर की दूरी पर रहेगा। बिल्कुल गेटेड सोसाइटी रहेगी हमारी प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ, और छोटी सी सोसाइटी रहेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, और आपके घर से या आपके घर की छत से हाईवे बिल्कुल नज़र आती है। और दोस्तों बता दूँ, आज का घर जो हमारा रहेगा बहुत शानदार है, खास है। खास इसलिए भी है क्योंकि आपको फुली फर्निश मिल रहा है, और ये फुली फर्निश महज 23,90,000 के अंदर आपको मिल रहा है फ्लोर वाइज। बता दूं फुली फर्निश में आपको जैसे सोफा, बेड, चिमनी, आरओ, ये आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना और मजे लेना आज के वीडियो के। तो ये हमारी रोड जो हमारी 50 फुट की रोड रहेगी बिल्डिंग्स के बिटवीन, और ये हमारी रेडी अपार्टमेंट जो कि G+2 के अंदर रहेंगे, 2BHK अपार्टमेंट्स। अगर मैं स्टेयर्स की भी बात करूँ तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन आपको बाहर की तरफ मिल जाता है। फ्रंट एलिवेशन काफ़ी खूबसूरत है, अभी कंप्लीशन पर है। जैसे आपकी पेंटिंग हो जाती है तो आपको बिल्कुल स्पेनिश लुक में यहाँ पर नज़र आने लग जाएगा। फैमिलीज ऑलरेडी रिजाइडिंग है यहाँ पर। तो बढ़ते हम अपने घर की तरफ। हमारे कॉरिडोर में सीधा आपको जो है ग्रेनाइट मिलेगा, वायर मैश डोर मिलेगा आपको, और वुडन डोर मिलेगा, तो दोनों का प्रोविजन आपको यहाँ पर मिल जाता है। फ्लश डोर आपको पूरा मिलता है एक प्रीमियम लुक के साथ, और सीधा उसके ऊपर आपको जो है विंडो आपको मिल जाएगी छोटी सी रोशनदान, और जो काफ़ी शानदार सा हैंडल है हमारा प्रीमियम लुक का, काफ़ी हैवी है। और जैसे ही ओपन करते हैं हमारे पास आया था एक शानदार सा ड्राइंग और डाइनिंग एरिया। ये काफ़ी अच्छी खूबसूरती के साथ इसको बनाया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ से अगर हमें विंडो की तरफ हमारी नज़र जाती है तो काफ़ी बड़ी है, एक अच्छी विंडो हमें मिल जाती है जहाँ से पूरी सनलाइट पूरे घर के अंदर आती है। अभी हमने विंडो को काफ़ी हद तक कवर किया ताकि कम से कम आए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो कैमरा है वो पूरा कैप्चर नहीं कर पाता। और पूरा जो ड्राइंग और डाइनिंग एरिया रहेगा हमारी 16 फिट की इसकी लेंथ रहेगी और 13 फिट की इसकी जो विड्थ रहेगी, तो काफ़ी अच्छा साइज़ है आपका। इजीली 5 सीटर सोफा यहाँ पर लगता है, सेंटर टेबल लगाया हुआ हमने, उसके बाद हमारे पास काफ़ी अच्छी स्पेस थी तो हमने साइड पर भी एक टेबल लगा कर इन्वर्टर को यहाँ पर रख दिया। तो स्पेस आप पर है, आप कैसे मैनेज करना चाहते हैं इसको, लेकिन अच्छी खासी स्पेस हमें यहाँ पर मिल जाती है जैसे भी हम इसे यूज़ करना चाहें। और बता दो दोस्तों यहाँ पर वॉलपेपर हमें अपनी मनपसंद का मिल जाएगा जैसा आप चाहेंगे। सीलिंग पर आपको डिज़ाइन जो है वो पूरा मिलेगा यहाँ पर एलईडी लैंप्स के साथ। ये पूरा तकरीबन कंप्लीट जो घर है हमें पूरे बजट के अंदर मिल जाता है। बता दो दोस्तों ये आपको 23,90,000 के अंदर हमें पूरा फुली फर्निश घर यह मिलने वाला है। और ठीक यहाँ पर हमारे पास जो हमारी किचन आ जाएगी जो कि एल शेप के अंदर है। काउंटर टॉप जो हमारा रहेगा वो ग्रेनाइट का रहेगा। सिंक आपको यहाँ मिल जाता है, टेबल टैप्स आपको मिल जाते हैं हॉट एंड कोल्ड के साथ, आरओ आपको ऊपर मिल जाता है। ठीक यहाँ पर आपकी जो है खिड़की आपको मिल जाएगी वेंटिलेशन के लिए, और देखिए सीधी सनलाइट यहाँ पर सीधी आ रही है हमारी किचन के अंदर ही। और इस तरफ जो है हमारे पास चिमनी हमें लगी लगाई मिल जाएगी, इसमें कैबिनेट्स आपको दोनों तरफ मिल जाएंगे, और काफ़ी बड़े बड़े कैबिनेट्स हैं आपको दिखा देता हूँ। इजिली आपके जितने जहाज हैं वो आराम से यहाँ पर आएंगे। आप देखिए ऊपर आपको जो है ग्लास पार्टीशन मिल जाएगी, और ये आपका टफन रहेगा, काफी अच्छा हैवी ग्लास यहाँ पर है। और खास चीज मैंने एक चीज देखी किचन के ऊपर, जो आपका जो ऊपर वाला जो एरिया है इसको भी पूरा कवर कर दिया गया, क्योंकि आपने देखा होगा वो सिल्वर सी एक पाइप निकलती है मोटी सी जो बाहर जाती है यहाँ से, तो देखने में बड़ी खराब सी लगती है। वो पूरी किचन जो आप जितनी मर्जी सुंदर बना लीजिए, वो पाइप ना पूरी किचन के जो लुक होती है वो खराब बर्बाद कर देती है, तो वो उसको ये बड़े अच्छे से मैनेज किया गया यहाँ पर। गीजर का आपको पॉइंट पूरा मिल जाएगा, और उसके अलावा अगर मैं काउंटर टॉप के ऊपर जो ये आपको टाइल्स नजर आ रही है, बड़ा सोबर सा कलर है यहाँ पर, अच्छे से आपको पूरे पावर पॉइंट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। नीचे आपको जितने भी ड्रॉर्स है वो पूरे मिलेंगे सारे के सारे डबल लेमिनेशन के साथ। एक कंप्लीट किचन आपको पूरी मिल जाती है, 9x7 की आपको किचन यहाँ पर मिलती है पूरी की पूरी। तो ठीक इसके साथ आगे बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। दोस्तों फ्लोरिंग जितनी है हमारी, डबल चार मैट्रिफाइड चार टाइल्स मिलेंगे हमें यहाँ पर, और खूबसूरत सा बेडरूम हमारा 13 फीट बाय 10 फीट का, काफी अच्छा साइज हमें यहाँ पर मिल जाता है बेडरूम के।
बेड्स आपको लगे लगाए मिल जाएंगे, और साथ में जो है आपको वार्डरोब्स सीलिंग की हाइट तक पूरे डिजाइन के साथ आपको मिल जाएंगे, जहां पे आपके पास ड्रेसिंग भी होगा, एक अच्छा डिजाइन वाला ड्रेसिंग होगा, जहां पर कॉर्नर्स भी आपके पूरे डिजाइन के साथ मैनेज किए गए हैं, ड्रॉर्स आपके पूरे नीचे भी आपको शू रैक मिलेगा, साइड में आपके ग्लास के साथ आपको पूरा डिजाइन मिलेगा, आपको जो काम है वो पूरा अच्छे से करके दिया जा रहा है, काफी डीप है, आराम से आपका जितना सामान है आप अंदर रखें, नीचे आपके पास शू रैक रहेगा और ऊपर भी हमारे पास काफी अच्छी स्पेस रहेगी, और जो बेड की बैक है वहां पर आपको वॉलपेपर मिल जाएगा आपकी मनपसंद का, तो काफी अच्छे तरीके के साथ स्पेस को यूज किया गया है, वाकई 13x10 का आपका बेडरूम इसमें निकाल दिया, बहुत ही अच्छी बात है। और ठीक इस तरफ जो है हमारा वॉशरूम, बहुत ही प्यारी सी टाइल्स आपको यहाँ पर लगी लगाई मिल जाती हैं, और सीधा ऊपर की तरफ देखिए तो आपको गीजर भी यहाँ पर लगा लगाया मिल जाएगा, और जितने भी आपके बाथ फिटिंग्स हैं एक बेड के साथ है, और आपको जो है सालों की गारंटी के साथ मिल जाती है, आपको कोई चीज खराब हो जाती है आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों सीधा अटैच वॉशरूम के साथ हमारे पास जो रहेगी यहाँ पर खिड़की, और खिड़की के साथ दरवाजा, जैसे ओपन करते हैं हमारे पास यहाँ पर वॉशिंग एरिया हमें मिल जाता है इसी अच्छा सा, और इजीली आप अपनी जो फ्रंट लोडिंग मशीन है उसे यहाँ पर रखकर जैसे यूज करना चाहे उसे कर सकते हैं, ओपन स्पेस काफी अच्छी है, ये खास चीज होती है हमारे अपार्टमेंट्स के अंदर, आपको जो है वेंटिलेशन की कमी कभी नहीं हम देते। तो ऐसे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट बेडरूम की तरफ, जैसा हमने पहले देखा था वैसे हमारे पास ये सेकंड बेडरूम, यह भी आपका जो रहेगा 13x10 का रहेगा, काफी अच्छा शानदार साइज है आपके पास, स्पेस काफी अच्छी मिल जाती है, ठीक यहाँ पे आपकी वार्डरोब रहेगी, और यहाँ पर भी आपको जो है कॉर्नर आपका मिल जाएगा विद डिजाइन, और इस तरफ आपके वार्डरोब, और दोस्तों यहाँ पर एक खिड़की आपको मिल जाती है जिसकी काफी अच्छी हाइट है, और अगर आपके वहां विंडो एसी आपका पुराना पड़ा है तो वो भी आप यहाँ पर लगाकर उसे यूज कर सकते हैं, तो कुल मिला के काफी अच्छे तरीके से काम किया गया है, पूरी स्पेस को जो है बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया गया है, पता लगता है एक मैच्योर आदमी का डिजाइन है। और यहाँ पर आपका जो रहेगा वॉशरूम, दोनों ही वॉशरूम में आपको गीजर जो लगे लगाए मिल जाएंगे, 6x5 के आपके वॉशरूम रहेंगे, काफी अच्छा साइज है, डिसेंट सा मिल जाए साइज हम कह सकते हैं, खिड़की आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 2BHK जो कि 900 स्क्वायर फीट के अंदर है, शानदार साइज को बहुत ही अच्छे तरीके के साथ डिजाइन किया गया, और बिल्कुल बजट के अंदर फुली फर्निश आपको मिलता है 23,90,000 के अंदर फ्लोर वाइज। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की 2BHK, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वादे के साथ आपको फिर मिलूंगा एक नए घर के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।